परेशान करने से क्या होता है? अच्छा, सिर जब घाव पड़ता है तो सोया रहता है थोड़ा सा, जब ठीक हो जाता है तो फिर तो छलांग लगाना पड़ता है उसको। दो कदम पीछे लगाए तो हट के लगाए या खुद के लगा लगाना तो पड़ेगा। मनीष का से अब तो ब्राह्मण है, उसको कैसे सब ब्राह्मण से क्या एस सी एस टी हो के ब्राह्मण से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ब्राह्मण से क्या फर्क पड़ता है? ब्राह्मण से कोई फर्क पड़ता है? अब जाति भाई यहाँ दिख रहे हैं, क्या क्या बोले छोटे सरकार अनंत सिंह, अनंत सिंह जी। अरे आप अनंत सिंह का फैन हो गए? अरे ये है तो हो गए, बगल में यहाँ पे दिख रहे हैं मनीष का से आपका फैन है। हम दूसरी बात है कि हम जातिवाद में नहीं रहते हैं। अच्छा, सीधी सी बात, हम जातिवाद में नहीं रहते, जो जातिवाद का जहाँ बात करते हैं वहाँ से हम दो कदम पीछे हट लेते हैं। अच्छा, उससे हमको क्या मतलब है भाई? हम जित जाति से हैं उतने ही मेरे लिए काफी है, वो छोटी जाति या बड़ी जाति हमको कोई माने नहीं रखता। वो कहता है कि लालू जी छोट जात को बैठने के लिए कुर्सी दिया, आप कैसे बोल रहे हैं? वो मेरे घर पे गए हैं और बताइए ना। लालू जी? नहीं नहीं नहीं, मनीष कश्यप, मनीष मेरे घर पे गए हैं। अच्छा, मेरे गुआ पे जाके और वो बोले वोट के लिए बोले हैं। अच्छा अच्छा, तो और जब से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना तो एम जे के कॉलेज जो बितिया में है वहीं से अभी तक संपर्क है, उनका नंबर भी मेरे पास है। अच्छा, लेकिन उस समय इस समय ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उतना उनके पास टाइम नहीं है कि मैंने एक होता है ना कि बैठ के बात करना चाहे, तो हम लोग उनके छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो लेकिन जो उनके साथ बराबर कंधा से कंधा मिला के चलो तो बराबर उनके साथ ही में है ना, तो हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। जातिवाद से भी हमको कोई लेना देना नहीं होता है, कौन ब्राह्मण है, कौन जादू है, कौन राजपूत है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छा करेगा उस सबसे लिए बेटर है। क्या चिराग पासवान भी? चिराग पासवान भी बहुत अच्छे नेता है बिहार में। अभी तो मनीष कश्यप नहीं ना है नेता जी में, लेकिन अभी तक आप देख बिहार में देख लीजिए कि चिराग पासवान ऐसा नेता कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। चिराग पासवान सांसद में विधानसभा लड़ा था, कहाँ सीट आया था उनको? नहीं आया था, लेकिन अपने मैंने हम अपने स्तर से देखें, हम तो उनके तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं नहीं, बट बहुत अच्छे नेता हैं वो। अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता हैं। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अभी तो हमको तो लगता है कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं हमको, उनको तो उनके पास तो जाके हम तो नहीं बैठ के बात किए हैं कि भैया पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, लेकिन उनके बात से व्यवहार से हमको पता चले बहुत पढ़े लिखे हैं। अब हम तो उनके बराबरी तो कर नहीं सकते हैं, बट इतना जानते हैं कि पढ़े लिखे हैं। तो आपने देख लिया लोगों का राय था, और फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।